स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 65, 66 एंड 67 को लेकर अपन प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था, पास एडजस्टमेंट्स को लेकर ही ये क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 65 को देखें क्या के रखा है। क्वेश्चन नंबर 65 में के रखा है कि ए एंड बी आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका 2:3 का दे रखा है। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है अपन को 2016 को, जिसमें ए और बी की कैपिटल हम लोगों को मेंशन करके दे रखी है। नीचे आप लोगों को दे रखा है कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द इयर्स में कितने रुपए का हुआ है, 2,00,000 रुपीज का हुआ है। और आपसे कह रखा है कि विच वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट आपके अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% एंड सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ। ड्यूरिंग द इयर्स ए विड्रॉ 40,000 एंड बी विड्रॉ 20,000। शो आपके योर वर्किंग नॉट क्लियरली, पास द नेसेसरी रेक्टिफाइड एंट्री। देखो, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया उन्होंने, बैलेंस शीट बनाकर दिए और बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग कैपिटल है। अब यहीं पर आपको बात पकड़ लेनी है कि अगर पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल आप लोगों को कौन सा गिवन है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर आपने कौन सा चार्ज करना भूल गए तो उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो डेफिनेटली आपको यहां पर पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने से पहले आपको नोट करना पड़ेगा कि कौन कौन से एडजस्टमेंट भूल गए, तो उसके अलावा तो बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चार्ज कर दिए। आपको कह रखा है कि इसने 3 एडजस्टमेंट भूल गया, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एंड सैलरी का। तो इसका मतलब इसके अलावा तो बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट हो चुके, तो बाकी कौन कौन से हैं? उनमें एक तो है कि एक तो प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2,00,000 रुपए का पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स दे रखी है, तो इसकी वजह से भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो गए हैं, माइनस हो गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल। उसके लिए भी आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा छोटा सा, ताकि आपको कौन सा ओपनिंग कैपिटल पता पड़े। सबसे पहले इनका मेंशन किया है मैंने क्लोजिंग कैपिटल 4,90,000 एंड 3,00,000 रुपीज की। पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स किया है ड्यूरिंग द इयर्स में, इस ड्रॉइंग को पार्टनर्स की कैपिटल में से माइनस किया होगा। तो अब ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए इसको कैंसिल करें, यानी इसको वापस से रीएड कर दिया जाए पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल में 40,000 20,000 रुपीज। और जो प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 2:3, यानी 2,00,000 रुपीज का प्रॉफिट 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो प्रॉफिट इनकी कैपिटल में ऐड हो रहा है, तो उसको माइनस कर देंगे 80,000 एंड 1,20,000, तो इनकी ओपनिंग कैपिटल हमको फाइंड आउट हो जाएगी 4,50,000 एंड कौन सा 2,00,000 रुपीज। इसके ऊपर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे अपन, कौन सा कितनी परसेंट से, 6% से पूरे कितने मंथ का, 12 मंथ का। अब प्रिपेयर करें अपन कौन सा स्टेटमेंट एडजस्टमेंट एंट्री के लिए। स्टेटमेंट का फॉर्मेट जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, पार्टनर्स के कॉलम प्रिपेयर करने, सिंबल अपन को डेबिट क्रेडिट का कॉलम प्रिपेयर करना है, और एक फर्म का कॉलम प्रिपेयर करना है। कौन कौन से एडजस्टमेंट भूल गए, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दें 6% से इनकी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर पूरे 12 मंथ का। ए का तो कितना आएगा, 27,000, बी का आएगा 12,000, टोटल फर्म को लॉस कितने का हुआ है, 39,000 का। फिर सेकेंड एडजस्टमेंट जो था वो सैलरी को लेकर था, सैलरी किसको थी, बी को, जो कि पर मंथ के हिसाब से थी 5,000 पर मंथ है, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर दें, और 60,000 रुपीज एनुअल सैलरी अपन ने किसको पे नहीं करी है, बी को, तो बी के लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट का सिंबल लगाते हुए उसके अकाउंट में 60,000 लिखें, और ये फर्म के लिए लॉस है, इसलिए 60,000 रुपीज कौन सा फर्म के कॉलम के अंदर आ जाएंगे। अब थर्ड जो एडजस्टमेंट आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, ये इनकम है आपके फर्म के लिए, इसलिए पार्टनर्स से कौन से अकाउंट से चार्ज की जाएगी, और फर्म पार्टनर्स के लिए क्या है, ये एक्सपेंस के रूप में है, इसलिए डेबिट का सिंबल लगाया। पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां जाती है, डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट किया, 10% की रेट आपको गिवन है, बट जो ड्रॉइंग्स आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन की गई है उसके अंदर डेट मेंशन नहीं है कि कौन सी डेट को इन्होंने ड्रॉइंग्स किया है। दैट्स व्हाई हम इसमें एवरेज आपके कौन सा मंथ का इसमें इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और वो कितने मंथ का होगा, 6 मंथ का। इसलिए ए ने ड्रॉइंग किया था 40,000,
10% से एनुअल बनता है आपके 4000 पर हम 6000 रुपीस आपके 6 मंथ का चार्ज करेंगे जो कि कितना बनता है 2000 रुपीस। ऐसे बी ने ड्रॉइंग किया है 20000 का, 10% से एनुअल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बनता है 2000 का, बट 6 मंथ का चार्ज करना है, दैट्स व्हाई उससे कितना अपन चार्ज करेंगे 1000 रुपीस। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपन ने 6 मंथ का कैलकुलेट किया है क्योंकि इसमें डेट मेंशन नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ये डेबिट साइड के अंदर आएगा, इसलिए डेबिट का सिंबल मेंशन करते हुए मैंने ए और बी के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को दिखाया। ये फर्म के लिए इनकम है, इसको क्या कर देंगे अपन 3000 रुपीस आपके फर्म के अंदर क्रेडिट किया जाएगा। अब जरा नेट अपन निकालें कि कितने रुपए इनको पे करना है। ए को क्रेडिट करना है 27000 और ए से चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2000, इट मींस ए को नेट कितना पे करना है 25000 का। बी की बात करें कि बी को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके 12000, सैलरी देनी है 60000 यानी 72000 तो उसको पे करना है और 1000 उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के अपन को चार्ज करने हैं यानी कितने रुपए 71000। और फर्म के लिए जो नेट लॉस हो गया वो है 96000 रुपीस का। अभी जो फर्म का नेट लॉस है वो कौन बियर करेगा, वो भी ये दोनों पार्टनर्स बियर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:3 के अंदर। तो ये मैंने आपके लॉस दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहां पर मेंशन करेंगे एडजस्टेड लॉस को, डेबिट साइड में, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड के अंदर इनका लॉस अपन ने मेंशन किया है 38400 का, 57600 रुपीस का। और नेट कंक्लूजन निकाले अपन इनके अकाउंट का और वो दे रखा है आपके कितने रुपए का 13400 रुपीस आपके डेबिट बैलेंस निकला है ए का, यानी ए से अपन को और लेने हैं और सी को अपन को पे करना है 13400 रुपीस। तो नेट जो एडजस्टमेंट एंट्री हो गई ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने देखा कि अपन को ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करी, उसके बाद अपन ने कौन सा स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया। तो क्वेश्चन में फॉर्मेशन चेंज करके आपको देगा, एरर हो सकता है कि सिमिलर एरर हो पर आपके क्वेश्चन की फॉर्मेशन को भी समझना बहुत जरूरी होता है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर अपन अपना सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर क्या के रखा है, ए बी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, उनकी भी आपको बैलेंस शीट गिवन है, पर बैलेंस शीट को अगर आप ढंग से देखें तो आपको बैलेंस शीट के अंदर ड्रॉइंग्स एसेट साइड में दे रखे हैं, तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए। अगर ड्रॉइंग एसेट साइड के अंदर गिवन है इसका मतलब पार्टनर्स की कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को चार्ज नहीं किया गया है, यानी आपके कौन सा ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस नहीं की गई है। अब इसके बाद अगर भार देखें तो आपसे कह रखा है कि फर्म का प्रॉफिट हुआ है 24000 का जो कि पार्टनर्स के बीच में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप चार्ज करना क्या है भूल गए हैं। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, तो मे बी आपके कैलकुलेट ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ द कौन सा 6 मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में कह रखा है कि आपको एवरेज 6 मंथ का क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चंस के अंदर देखो दो एडजस्टमेंट्स आप भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दूसरा इसके अंदर आपको कौन सा बैलेंस शीट दे रखी है, तो कैपिटल कौन सी हुई क्लोजिंग कैपिटल, तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। बट इसमें एक एडिशनल चीज प्लस हो गई कि इसमें से कैपिटल में ड्रॉइंग माइनस नहीं हो रहा है क्योंकि ड्रॉइंग को एसेट साइड में मेंशन करा है, तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करते समय हम आपके ड्रॉइंग्स को जो ऐड करते थे यहां पर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि कैपिटल में से वो माइनस नहीं हो रहा है। किस प्रकार से जरा देखें, आपके ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए अपन को भी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इनकी क्लोजिंग कैपिटल दिखाएं, ड्रॉइंग का अपन इसमें एडजस्टमेंट नहीं किया क्योंकि ड्रॉइंग इसमें से माइनस नहीं हो रही है, केवल प्रॉफिट इसमें इंक्लूडिंग है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उसको माइनस कर दिया जाए। 3:1 के अंदर 24000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, तो ए में ऐड है आपके प्रॉफिट 18000, बी में ऐड है 6000, इसको एडजस्ट करें तो आपको ओपनिंग कैपिटल इनकी फाइंड आउट हो जाएगी 72000 एंड 24000। इसके ऊपर ही इंटरेस्ट ऑन क्या करना पड़ेगा, आपको कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेटमेंट प्रिपेयर करें एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, फॉर्मेट आप लोगों को बताया हुआ है, सबसे पहले इसमें मेंशन करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आएगा,
72,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 5% से पूरे 12 मंथ का, जो कि कितना आएगा 3600 रुपीज का। 24,000 के ऊपर 5% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 12, आप तो कितना आएगा 6 मंथ आपके 12 मंथ का 1200 रुपीज का। तो नेट आपके कौन सा फॉर्म के लिए लॉस कितना हुआ है 4000 आपके 800 रुपीज का फॉर्म के लिए लॉस हुआ है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करें तो पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स के ऊपर 6% से 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चंस में ऑलरेडी मेंशन करके दे रखा है क्योंकि डेट भी क्वेश्चंस के अंदर मेंशन नहीं है। तो इनकी ड्रॉइंग्स के ऊपर 6 मंथ का अपन ने 6% से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो ए का इंटरेस्ट बनता है 360, बी का इंटरेस्ट बनता है 180 और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां आएगा डेबिट साइड के अंदर। नेट कितने रुपए इनको क्रेडिट करने, ए को क्रेडिट करना है 3240 रुपीज का, बी को क्रेडिट करना है 1020 रुपीज का। तो नेट फर्म को लॉस कितने का आ रहा है 4260 रुपीज का। ये एडजस्टेड लॉस कौन बियर करेगा, पार्टनर्स बियर करेंगे एडजस्टेड लॉस को। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 कौन सा 1 के अंदर, तो उसको कितना कितना है, ए का लिए लॉस आ रहा है 3195, बी के लिए लॉस आ रहा है 165 और इसको एडजस्ट करने के बाद तो इनको कितने कितने रुपए देने हैं। ए को पे करना है नेट 45 रुपीज और बी से आपको लेना है 45। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से ये एडजस्टमेंट एंट्री अपन को प्रिपेयर करनी है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, क्या गिवन है ये देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको बहुत ढंग से आप लोगों को देखना पड़ेगा और इनमें दी गई इंफॉर्मेशन का सेंस भी निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको गिवन है तो उसका कोई ना कोई मतलब है। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है आप लोगों को और नीचे दे रखा है कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द इयर्स आपके ऑन 31 मार्च 2015 वाज 70,000, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द इयर्स आपके कौन सा आपके ए एंड बी की दे रखी है 16,000 and 20,000 रुपीज। ऊपर आपसे दे रखा है कि 5% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 31 मार्च आपके 2015 को, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब देखो क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नीचे आपको दे रखा है कि ड्यूरिंग द इयर्स में प्रॉफिट हुआ है 70,000 का और बैलेंस शीट के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बता रखा है 40,000, यानी साल में प्रॉफिट हुआ 70, साल का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बैलेंस शीट में 40,000, यानी पार्टनर्स में केवल 30,000 का ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। नंबर वन बात ये आपको पकड़ में आनी चाहिए। पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स दे रखे हैं ए और बी के 16,000 20,000 पर बैलेंस शीट के एसेट साइड में बी का ड्रॉइंग्स 20,000 दे रखा है। इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आपके बी के ड्रॉइंग्स को माइनस नहीं किया गया है, ये पॉइंट आपको पकड़ लेना है। अगर ये दोनों पॉइंट आपने पिक कर लिए हैं तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते समय आपको दिक्कत नहीं आएगी। किस प्रकार से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, स्टेटमेंट प्रिपेयर करें अपन। सबसे पहले इनकी जो बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल 1,80,000 उसको मेंशन करें। प्रॉफिट आपके ड्रॉइंग्स केवल ए का माइनस हो रहा है, बी का माइनस नहीं हुआ है, तो ए का माइनस हुआ है तो ए के कैपिटल अकाउंट के अंदर ए का ड्रॉइंग्स एड किया जाएगा। प्रॉफिट केवल 30,000 रुपीज ही इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 2:1 कौन सा 1 का आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर इनका प्रॉफिट अपन क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ ऐड किया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल में, तो उसको माइनस कर दें 20,000 10,000, तो इनकी ओपनिंग कैपिटल हमारे को फाइंड आउट हो जाएगी 96,000 and 70,000। इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे 5% से 12 मंथ का। ए का इंटरेस्ट आ जाएगा 4,800, बी का इंटरेस्ट आ जाएगा 3,500। तो देखो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन किस मैनर में दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी यहां पर लिया ताकि इन सब चीजों को आप माइन्यूटली देखें, ऑब्जर्व करें और फिर अपना डिसीजन लें आंसर को कैलकुलेट करने के लिए। तो इस प्रकार से ये पास एडजस्टमेंट्स के पन्ने टिपिकल क्वेश्चंस को देखें। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आ रहे हैं
और नेक्स्ट चैप्टर को लेकर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर है अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर्स, उनके एग्जिटिंग पार्टनर्स की अकाउंटिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी बेसिस पर अपन ये कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए यूजर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो नए व्यूअर्स भी आपके कौन सा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके कौन सा उनको भी नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। थैंक यू।